अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमन नजीब और आप देख रहे हैं फोर एंड टच की एक और वीडियो। आज की वीडियो फिर से अनबॉक्सिंग वीडियो है और आज है हमारे साथ एक बहुत ही अच्छी स्कोप। ये आई है जासंटर मियां कमर साहब लाहौर। इसको खोलते हैं। ये डिस्कवरी की स्कोप है और इसकी प्राइस है 48,000 रुपये। अब देखते हैं कि 48,000 रुपये में हमें क्या मिलता है। तो जल्दी से इसको खोलते हैं। ये निकला है जिस स्कोप का डब्बा, राइफल स्कोप HD 5/30/56 SFIR FFP। ऊपर है माउंट, ये अडाप्टर कह लें, ये माउंट के, ये 34mm ट्यूब पे लगने वाले माउंट हैं। इसके अलावा अगर आप इनको 30mm पे लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं। ये जी 30mm और ये जो अंदर लगे हुए हैं 25mm। और अगर इसको भी निकाल देंगे, खाली रिंग बचेंगे, तो वो 34mm के हैं। और नीचे है 11mm डाप्टर रेल के लिए। तो निकालते हैं स्कोप को। HD 5/30/56 SFIR ब्रांड नेम डिस्कवरी, लाइन नेम HD, मैग्निफिकेशन 5/30/56, फर्स्ट फोकल प्लान 34mm की ट्यूब है, इल्यूमिनेटेड यस, लेंथ टोटल है 15.6 इंच और इसका जो वज़न है 903 ग्राम, कमोपेश 1 kg की है। ये क्लिक वैल्यू है जी 1/10 mil। एलिवेशन एडजस्टमेंट रेंज है 50 MOA, विंडेज एडजस्टमेंट रेंज है 50 MOA। फुली मल्टी ग्रीन कोटेड ऑप्टिक्स है, नाइट्रोजन फिल्ड है, शॉक प्रूफ है, वाटर प्रूफ है और फोक प्रूफ भी है। ये निकला ये हमारे स्कोप। बिल्कुल क्लियर व्यू है इसका। ये 5 तक जूम है और 30 तक इसको आप जूम कर सकते हैं और आगे 56mm का इसका आगे वाला अच्छा है। और इसकी ये ख़ास बात, 34mm की इसकी ट्यूब है, 34mm, ये साइड पैरालैक्स है और इसके अलावा इल्यूमिनेटेड भी है, लेकिन अभी ये जल नहीं रही, शायद इसका सेल ख़त्म हो, सेल इसके अंदर है ही नहीं। इसको किसी गन के ऊपर लगाते हैं और फिर इसके अंदर का व्यू भी मैं आपको दिखाता हूँ। जी दोस्तों, स्कोप हमने लगा ली है अपनी P15 के ऊपर। ये है HD 5/30/56 FFP फर्स्ट फोकल प्लान, 5 से 30 तक ये जूम हो सकती है। ये है इसका टरेट अप डाउन वाला, बहुत ही स्मूथ लॉकडाउन वाला है। इसकी वैल्यू है जी 1 क्लिक के बराबर है, 1/10 mil। 10 बार क्लिक करेंगे तो 1 mil डॉट ऊपर नीचे होगा। और ये है वेंडेज वाला, ये भी इसी तरह का है। और ये है फोकस, इससे आप फोकस करेंगे, मिनिमम 10 यार्ड और मैक्सिमम 500 यार्ड एंड इन्फिनिटी। और ये है इल्यूमिनेट, इसका रेटिकल रोशन हो जाता है, इसको जलाएंगे तो इंशाल्लाह इसके अंदर के व्यू भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी अहम बात ये है कि इसकी जो है ट्यूब है वो 34mm की है, 34mm।
आम जो नॉर्मल स्कोप्स होती हैं वो 25 mm की ट्यूब होती है, उससे अच्छी की 30 mm की, और इससे सबसे बड़ी है 34 mm की। अब तक मेरे पास आने वाले स्कोप में ये सबसे बड़ी स्कोप है। इसका जो ट्यूब का डाया है वो 34 mm है, 34 mm। आगे की बात करें तो 56 mm का इसका आगे वाला अच्छा है, HD ग्लास है, बहुत ही क्लियर रिजल्ट है इसका, और कमाल की क्लियरिटी है इसकी। इसके अलावा इसका ये सामान लेंस कवर, इसके अलावा जिसके जो सात रिंग आते हैं माउंट, वो 34 mm की ट्यूब पे लगने वाले, और ये पैकिंग है, ये पैकिंग देखें तो फिर 30 mm की ट्यूब पे भी आप लगा सकते हैं, और ये मोटा देकर इसको 25 mm की ट्यूब पे भी लगा सकते हैं। इन रिंग्स को माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, और ये डिस्कवरी की स्पेसिफिकेशन, नीचे इंस्ट्रक्शन बुक है, सिलिका जेल है, ये है जी सनशेड, ये लगने के बाद अब इस तरह की कोई लुक बन गई है जी। काफ़ी बड़ा साइज़ है इसका। अब मैं आपको इसके अंदर का व्यू दिखाता हूँ, इसका रेटिकल दिखाता हूँ। इस पे मैं साइड शॉट कैमरा माउंट लगाना चाह रहा था, लेकिन इसकी जो ट्यूब है वो बहुत मोटी है 34 mm की। हमारे पास जो साइड शॉट कैमरा माउंट है उसका जो माउंट है वो 30 mm की ट्यूब पे लगने वाला है, तो इस पर वो लग नहीं रहा। तो हम अब ये देसी जुगाड़ करते हैं, इसको मैं यहाँ पे लगा के मोबाइल लगा के आप अंदर के व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ जी। दोस्तों हमने इसको लगा लिया है, इसके ऊपर ये अपना देसी बना हुआ कैमरा माउंट। इस वक्त ये जूम है कोई 10-12 के करीब, तो इसके अंदर का व्यू मैं दिखाता हूँ। अब आप जो देखेंगे वो इसके अंदर का होगा, ये है जी इसके अंदर का व्यू। ये बच्चे हैं कोई 75 यार्ड पे। इस वक्त ये जूम है कोई 10-12 के करीब जी। दोस्तों मेरे हिसाब से तो ये बहुत क्लियर स्कोप है, वहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, इनको मैं क्वालिटी स्कोप की बहुत अच्छी है। इसका मैं जूम कम करूं तो ये जूम ज़्यादा करूं तो ऐसी बात है, फिर ये कैमरे से फोकस में से वो आउट हो जाते हैं। तो ये जो मेरा इसको मैं एडजस्ट कर लूँ, यहाँ पर ठीक है जी, बेस्ट सेटिंग है। बाकी जो इसका बहुत ही क्लियर स्कोप है, करीब वाली चीज को फोकस करूं तो जी बिल्कुल जी, यहाँ पर
यहाँ पर एक करी वाली चीज पे फोकस कर रहा है। अब बहुत ही क्लियर यहाँ पे। जी दोस्तों, इस तो आपके मामले की बात करूं, वो सामने नहर है, वो जी कुछ 325 यार्ड पे है, और ये जो सिर्फ जूम है मेरे स्कोप वो 10x पे है। इसको मैं ज़्यादा जूम करूं तो फिर ये कैमरे में फोकस नहीं हो पाती। कोशिश करता हूँ इसको फोकस जी। ये सिर्फ 20 पे जूम है, इसको 10 पे ही रखते हैं। इसके टरेट्स पे देखते हैं इसके इसको मैं ये डाउन हो रहा है, ये आप अब विंडेज वाला देखते हैं। बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं इसके टरेट्स, बहुत अच्छे स्कोप है, HD ग्लास है इसका, बहुत ही क्लियर व्यू है इसका, टरेट्स भी बहुत अच्छे हैं। ये थी जी आज की वीडियो, पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।